नमस्कार, फिर से सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम इकाई टू या खंड टू समकालीन भारत में भूगोल। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में खंड का इतिहास में भी हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा देखा भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा हमने देखा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम देखेंगे खंड दो इकाई दो में समकालीन भारत भूगोल, जिसमें अध्याय एक संसाधन एवं विकास, जिसमें पार्ट एक है संसाधन एवं विकास। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का, हमारे पार्ट का नाम है संसाधन, तो हम संसाधन को जानते हैं। ठीक है, कि संसाधन किसे कहते हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन इससे बनता है, संसाधन किसे, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। बिल्कुल, देखिएगा हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। बिल्कुल, हमारे पर्यावरण में फैली हुई वह समस्त चीजें जो हमारे लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसे संसाधन कहते हैं या वह संसाधन कहलाती है। बिल्कुल, फिर पूछा है अगला, संसाधन के दो प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा होगा इसका उत्तर। तो इसमें पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, भूमि एवं पर्वत हो गया, प्राकृतिक संसाधन भूमि और पर्वत हो गया, और दूसरा है इसका मानव निर्मित संसाधन भवन एवं सड़कें। ये तो आप जानते होंगे, मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया, जिसको इंसान ने बनाया हो, जैसे भवन इंसान बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं, सड़कें हमारे ठेकेदार और जो है मिस्त्री लोग मिलके बनाते हैं, तो ये हो गए जो है मानव निर्मित संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन हो गए भूमि और पर्वत जो कि स्वयं से बने हुए हैं। भारत में अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत मैदान है, यानी भारत में कुल कितने भू क्षेत्र का मैदान है। ठीक है, तो है जो है कितना, 43% भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत मैदान है, कितने प्रतिशत मैदान है, तो आपको यहां प्रतिशत बता देना है 43%। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न संख्या 4 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए प्रयोग में लाई जाती है, सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, तो उत्तर देखिएगा, काली मिट्टी जो है कपास जो है जिससे रुई निकलता है, बिल्कुल जिससे रुई बनता है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, या काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छा है, इसमें जो है कपास उगाया जाता है, कपास का अच्छा रिस्पॉन्स है काली मिट्टी में। बिल्कुल, तो आपको साफ रहा होगा, बहुत बढ़िया से जो है ध्यान में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, आपको और एक बात ध्यान में रखना कि आपको जो है रेड पेंस, ये हम रेड मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं भले यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कि हमारा जो है आज समकालीन भारत चल रहा है, हमारा भूगोल चल रहा है, हमारा इतिहास चल रहा है, हम उसको जो है इतना लाइट्स हेडलाइट्स करते हैं कि आपको पता चले। बिल्कुल, हम इसको हेडलाइट्स करते हैं कि आज हम ये पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बाकी कुछ क्वेश्चंस भी हम जो कर लेते हैं, जैसे संसाधन किसे कहते हैं, इसको कभी कभी रेड मार्कर का भी यूज कर लेते हैं, मगर आपको पेपर में केवल जो है नीलेपन का प्रयोग करना है, काले और नीले पर का प्रयोग करना है। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको आंसर पे ध्यान देना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है, यही सब बातें आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या होता है जो है क्वेश्चन भी उतारते जाते हैं, वो टाइम आपका वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, तो आपको केवल आंसर पे ध्यान देना है, क्वेश्चन का नंबर डाल देना है, बाकी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे पूछा संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको प्रश्न संख्या
डाल दो, उसके आगे आप उत्तर डाल के हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। इस तरह से लिख देना है आपको, ना कि संसाधन किसे कहते हैं, इसमें अपना फालतू समय बिताना है, ठीक है, अपना कीमती समय इसमें नहीं बर्बाद करना है। बिल्कुल, तो आपको समझ में आ रहा होगा।